दोस्तों इस वीडियो में हम रॉयल टीन प्रिंसेस मार्गरेट मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, जो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी में राजकुमारी मार्गरेट एक नॉर्मल जिंदगी के लिए तरस रही है। प्रॉम स्कैंडल के मद्देनज़र वो अपने फैमिली ड्रामा से भी निपटने की कोशिश कर रही है। तो वो अपनी छवि को बनाए रखने के लिए कैसे संघर्ष करती है, इसी के बारे में ये मूवी है। दोस्तों मूवी की स्टोरी ठीक है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन मुझे काफ़ी एवरेज लगा। डायरेक्शन अच्छा है और परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे थे। एक्ट्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया है और उसके साथ आप कनेक्ट भी हो जाते हो। लेकिन इसमें जो ड्रामा दिखाया गया है वो मुझे ज़्यादा एंगेजिंग नहीं लगा। फिर भी मेन कैरेक्टर की जर्नी आप फॉलो कर पाते हो। इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग मुझे अच्छी लगी और मूवी की लेंथ है 1 घंटा और 38 मिनट। कुछ जगह पर मूवी स्लो हो जाती है और आपको बोर भी कर सकती है। अगर आपको इसका पहला पार्ट पसंद आया था तो ये भी आपको अच्छी लगेगी। लेकिन दोस्तों इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। ज़्यादातर मूवी आपको डल लगती है और किसी भी चीज़ के लिए इंस्पायर नहीं करती। मूवी का स्क्रीन प्ले मुझे बिलो एवरेज लगा, लेकिन सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है। इसमें आपको कुछ ब्यूटीफुल सीन्स भी देखने को मिलेंगे और इसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी है। दोस्तों रेटिंग देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने मेक 2 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर दिया है, उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। उसमें मैंने मूवी के सारे क्रिएटर्स को एक्सप्लेन किया है। अब हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रो ऑडियंस को यह पसंद नहीं आएगी और ओवरऑल ये एक काफ़ी एवरेज मूवी है जिसे आप आराम से अवॉइड कर सकते हो। मैं इस मूवी को दूंगा 5 out of 10। और दोस्तों मैंने एक और YouTube चैनल शुरू किया है जहाँ पर आपको कुछ बढ़िया हिंदी डब मूवीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उस चैनल का नाम है मयूर रिव्यूज़, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। 'Cause I've been living life right like I can.